हमारे पास में फर्टिलाइजर का भी लाइसेंस होगा, और फर्टिलाइजर का अगर लाइसेंस होता है तो उसकी सेल भी ज्यादा होती है, और अगर हम लोग सही जो गवर्नमेंट के निर्धारित रेट है उस पर उपलब्ध कराएं तो सेल भी अच्छी होगी, और जो हमारा मेन जो देश है कहना चाहिए जो हमारा ग्रोइंग है या एफपीओ का जो टर्नओवर, जो हमारा टर्नओवर है वो भी बढ़ जाए। देश का कोई दूसरा है तो क्यों ना ऐसा कोई योजना लाई जाए जैसे जिससे कि किसान ही अपना उत्पादक रहे और किसान ही उसको मार्केट तक या अंतिम जो उत्पाद है वहाँ तक ले जाए। और सामान्यतः अगर मान लीजिए किसान बेचता भी है कोई अच्छे फार्मर हमारे हैं भी तो वो क्या करते हैं सीधे सीधे उसको जो है एज सच बेच रहे हैं। मान लीजिए गेहूँ है तो गेहूँ को बेच दिया मार्केट में अच्छे रेट मिल गए, मिल गए खराब मिल गए। हमारा एफपीओ एकजुटता हो गई और आपकी समानता हो गई, एक जैसे समान हो गए और लोकतांत्रिक हो गया, सबको अधिकार है वोट डालने, ये बात ध्यान रखना सब लोग। कोई अगर 1000 रुपये कैसे क्या करें कैसे फायदा हो किसान, इसके बाद में पारस्परिक सहयोग के सिद्धांत हैं सारी सारे को संचालन की प्रक्रिया क्या है। एफपीओ सदस्य साधारण सभा होती है, ठीक है, इसके बाद में संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। पहले तो हम जो सिस्टम है वो ये है कि हम 1500 किसानों के बीच जाएं और उनसे कहें कि भाई ये संचालक डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा। हमारे पास में कृषि विज्ञान केंद्र के पास में दो किसान उत्पादक संगठन हैं, जिसमें से एक हमारा मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठन है और एक हमारा पशुपालक किसान उत्पादक संगठन है। उसका एक प्रशिक्षण जो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो निदेशक मंडल होता है उसका, और साथ में सीईओ का जो प्रबंधक होता है मुख्य रूप से उसका एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जो कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण है और आज से शुरुआत हुई है जो 27 तारीख तक चलेगा। इस प्रशिक्षण में हम लोग ये बताएंगे कि हमारे जो उत्पादक संगठन है उसको किस प्रकार से चलाना है, उसका किस प्रकार से प्रबंधन करना है, कैसे हमें अपने सदस्य बनाने हैं। इस प्रशिक्षण में हमारे सभी जो निदेशक मंडल है उसके सभी सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें हमारे 10 लोग हैं, 5 प्रोड्यूसर हैं और 5 ही प्रत्येक एफपीओ के अंदर हमारे निदेशक हैं। इसके अलावा 2 सीईओ हैं और मुख्य रूप से इसमें जो हमारे जिला विकास अधिकारी नावार्ड हैं उनके द्वारा ये प्रशिक्षण आयोजित कर। दोस्तों, मैं भगत सिंह, निदेशक RVSKV के आगरा, पशुपालक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। आज कार्यक्रम हो रहा है यहाँ KV के सेंटर पर DDM नावार्ड के द्वारा निदेशक मंडल एवं CEO जी की मैं ट्रेनिंग है और इसमें कंपनी को किस तरीके से चलाया जाए और किसानों को कैसे कैसे ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए इस संबंध में यहाँ ट्रेनिंग चल रही है। और मेरा किसान बंधुओं से अनुरोध है कि ये जो कंपनियाँ बनी है उनसे आप जुड़ें, अपना शेयर डालें, और जहाँ तक मुझे पता है लगभग 1000 रुपये तक का आप शेयर डाल सकते हो, जिससे भविष्य में आपके कई फायदा होंगे, आप कंपनियों से जुड़े रहोगे और आपकी दूनी आय होने का जो सपना है वो पूरा होगा।